संसार में तो प्रेम की बातें होती है, पर गुरु के चरणों में जो प्रेम है और गुरु का शिष्य के प्रति जो प्रेम होता है वही सच्चा है, वही यथार्थ है। और फिर ऐसा प्रेम हो जाए गुरु के चरणों में पक्का स्थाई, तो फिर स्लेट पर खींची हुई चौक की लकीरें मिटाई जा सकती है, पर फिर उस शिष्य की आंख के आंसू कभी सुखाए नहीं जा सकते। स्लेट के निशान मिट सकते हैं पर उस शिष्य की आंख फिर सदा गीली रहे। बरसात आती है तो छत गीली होती है, पर शिष्य के दिल में गुरु की याद आती नहीं है, शिष्य के दिल में गुरु की याद रहती है। ये आषाढ़ के महीने में ही गुरु पूनम क्यों आती है? ये संकेत है कि शिष्य का दिल आषाढ़ के महीने का आकाश जैसा होता है, ऐसा शिष्य का दिल होना चाहिए। शिष्य के हृदय आकाश में प्रेम के बादल छाए, तो शिष्य के लिए साल में एक गुरु पूनम नहीं, उस शिष्य के लिए रोज गुरु पूनम। जैसे गुरु पूर्णिमा के दिन एक भाव होता है कि आज गुरु पूर्णिमा है, आज गुरु पूर्णिमा, आज गुरु पूर्णिमा, ऐसे उस साधक के लिए हर दिन गुरु पूर्णिमा। रोज वो शिष्य उसी भाव से अपने गुरु की पूजा करेगा, अपने गुरु का स्मरण करेगा। देखो, भगवान का और भगवत स्वरूप गुरु का जो निर्गुण रूप है ना, वो गुणातीत है। अगर हम लोग उनकी भक्ति में लगेंगे, उनके स्मरण में लगेंगे, तो हम भी गुणातीत होने की शक्ति उन्हीं से पाएंगे ना। जिसका चिंतन करेंगे वो उनके गुण हमारे में आएंगे। गुरु का स्मरण करेंगे तो गुरु के दैवी गुण शिष्य में आएंगे। कोई कोई ऐसे भी होते हैं बेचारे, भक्ति करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, पर अपने को कोसते भी हैं, मेरे में बुरी वासनाएं हैं, मेरे में बुरे विचार हैं, मेरे में गंदी आदत है। परंतु कोई भक्त ऐसे भी होते हैं जो अगर कोई बुरा विचार, बुरा भाव है, तो उसको याद न करके अपने गुरु के दैवी गुणों को याद करते हैं कि बापू जी का जीवन कैसा था। 2.5 साल की उम्र थी तब गुरुदेव की माता ये कहती थी कि आंखें बंद करके बैठो, भगवान तुमको माखन और मिश्री देंगे, क्षमा करना। एक बार उस मां का नाम आया है, आज तो उनके चरणों में बैठते थे और जब भी मैं उनके चरणों में प्रणाम करता था तो वो मां एक बार मेरे सिर पे हाथ जरूर रखती थी और मुझे दिल से दुआ देती थी, बेटे खुश रहेगा। मुझे तो कई बार मैं रात को, रोज जब वो मां आश्रम में ही रहते थे तो मैं उनके चरणों में रोज रात को जाकर बैठता था और वो मुझे कभी ना नहीं कहते थे, मुझे खूब प्यार दिया। इसलिए मैं ज्यादा उनका स्मरण, बहुत उनकी कृपा है। और देखा जाए तो पूरे विश्व पर उनकी कृपा है, जो ऐसे महान सदगुरु हम सबको उन्होंने ही तो प्रदान किए। ऐसी महान हस्ती पूज्य बापू ने उनके यहां ही जन्म लेने का निश्चय क्यों किया? जरूर उस मां में ऐसी शक्ति होगी। गुरुदेव ने एक बार मुझे कहा था, जब मां थी, गुरुदेव ने कहा था कि मां को तू साधारण मत समझना कभी भी, और मैंने तो समझा भी नहीं था। तो गुरुदेव की वंदनीय मां कहती कि तुम आंख बंद करके बैठो। मां ने वेद पढ़े थे कि नहीं ये मैं नहीं जानता, परंतु मां का जीवन वैदिक जीवन था। वेद उनके रोम रोम से मानो झलकते थे,
सेवा और परोपकार की भावना क्या गजब की थी उनमें। एक बार की बात है, बापूजी हरिद्वार में थे, शिविर नया नया आश्रम बना था हरिद्वार का जो अभी है, बस वो जगह ली ही थी और आश्रम की जमीन पर ही शिविरें चल रही थी। शिविर पूरी हुई, अगली शिविर 3-4 दिन के बाद थी, तो गुरुदेव ने मुझे कहा कि मैं जा रहा हूं अहमदाबाद और अहमदाबाद से हिम्मतनगर जहां माताजी थी वंदनीय। हमें बाद में पता चला कि बापूजी हरिद्वार में थे और माँ अहमदाबाद से 70 किलोमीटर दूर हिम्मतनगर में थी। सुबह के समय बाहर कुर्सी पर बैठी थी तो सेविका जो उनकी थी उसको कहा कि कुर्सी ले आ, दूसरी कुर्सी ला। तो सेविका ने पूछा किसके लिए, तो माँ ने कहा तू देखती नहीं पागल, गुरुजी घूम रहे हैं, वो देख घूम रहे हैं पैदल, सैर कर रहे हैं, सुबह की सैर करते करते थकेंगे तो वो भी इधर आकर बैठेंगे मेरे पास, कुर्सी ले आ। तो सेविका जानती थी मां का भाव, कुर्सी ला कर रख दी। बापूजी हरिद्वार में शिविर चल रही और मां कहती सेविका को कुर्सी ला कर रख, उसने रख दी। थोड़ी देर बीती, मां कहती रही गुरुजी आओ बैठो, साईं आकर बैठो, आओ थक गए होंगे बहुत घूम लिए, थोड़ी देर कुर्सी पे बैठो आराम करो। सेविका तो देखती रही कि क्या भाव है। मां कौशल्या का भाव तो सुना था कि राम जी के वनवास के बाद मां कौशल्या को यह होता था कि राम जी अयोध्या में है अपने कमरे में। एक दिन तो सुबह 4 बजे मां कौशल्या राम जी जिस कमरे में रहते थे उस कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी, राम उठो, सवेरा हो गया, 4 बज गए, राम उठो, आज उठना नहीं है क्या, 4 बज गए अभी तक सोए हो, उठो राम उठो, सवेरा हो गया। सुमित्रा माता ने आवाज सुनी कौशल्या जी की और आकर कहा कि आप किसको जगा रही हो। बोले राम अंदर सोया है ना, 4 बज गए अभी तक उठा नहीं, इसलिए मैं उठा रही हूं कि सवेरा हो गया, जागो। तो सुमित्रा जी कहती है कि राम जी को तो वन में गए हुए 8 साल हो गए, आप किसको जगाने की बात कर रही हो। तो कौशल्या माता कहती है कि 8 साल हो गए, अभी तो मैंने रात को देखा कि वो अपने कमरे में सोने के लिए गए। तब सुमित्रा जी कहती है नहीं, 8 साल हो गए वनवास को, 14 साल का वनवास है, 8 बीत गए, 6 साल बाकी हैं। कौशल्या माँ कहती है कि सुमित्रा देवी, मैं आंखों देखी बात सच मानूं कि कानों सुनी बात सच मानूं, कौन सी बात सच मानूं, क्या प्रेम है, क्या भाव है कि राम जी को 8 साल बीत गए फिर भी कौशल्या माँ को प्रतीत होता है कि राम जी अपने कमरे में है। आपका और हमारा तो क्या प्रेम है, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, ये तो हम उनको याद कर रहे हैं इसलिए कि काश हमारे दिल में भी ऐसा प्रेम आ जाए कि गुरुदेव हमको छोड़कर कहीं गए नहीं है, जा सकते नहीं, सूरदास जी का पद नहीं है, बाह छुड़ा कर जात हो निर्बल जान के मोही, हृदय छुड़ा के जाओ तो मैं मर्द बखानू तो ही। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। प्रेम भक्ति के जल के बिना अंतर का मैल जाता ही नहीं। तो मां कहती रही आओ बैठो, थक गए होंगे, अरे बहुत देर हो गई, साईं आओ बैठो, गुरुजी आओ बैठो। काफी देर बीती, फिर माँ ने कहा सेविका को कि बेटी कुर्सी अंदर रख दे। क्यों माँ? बोले गुरुजी चले गए अपनी कुटिया में, अब कुर्सी की जरूरत नहीं।
जब गुरुदेव ने मुझे कहा कि मैं जा रहा हूं, मां बहुत याद कर रही है, जाना होगा जरूरी, जाता हूं फिर से, तो पहले कहां गए थे? पर गुरुदेव ने कहा जाता हूं फिर से, मां बहुत याद कर रही। गुरु भक्ति की जीती जागती मूर्ति थी वो मां, जैसे कपिल भगवान की मां देव होती थी भागवत की। फिर गुरुदेव जब हिम्मत नगर उनके पास पहुंचे तो गुरुदेव की मां कहती है हाथ पकड़ के गुरुदेव का कि मैं आपको किस नाम से पुकारूं? मैंने उस दिन कितनी बार कहा आओ बैठो, थक गए होंगे आओ बैठो, बहुत घूम लिए, बहुत पैदल चल लिए, थोड़ी देर बैठो भी, पर आप बैठे ही नहीं। कितना मैंने पुकारा, साईं बैठो, बापू बैठो, गुरुजी बैठो, किस नाम से पुकारूं? दरस गुरु के वचन गुरु के दर्शन, गुरु के वचन गुरु के सच्चा धन है चरण गुरु के। दरस गुरु के वचन गुरु के सच्चा धन है चरण गुरु के। दर्श गुरु के वचन गुरु के सच्चा धन है चरण गुरु के। लग जाए बस प्रीत इन्हीं से, हो जाऊं अर्पण इनके। जाए बस प्रीत इन्हीं से, हो जाऊं अर्पण इनके। इनसे ही सारी खुशियां हैं, प्रेम इन्हीं का पाता रहूं, पाता रहूं। मैं तो सदा तेरी करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। निश दिन तुम्हारी पूजा करूं, निश दिन निश्चिन पूजा करूं। ये यही कमाई, मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है। पर न जाने लोग क्या क्या चाहने में लगे हैं। मैं कहता रहता हूं कि गत्ते की नाव बनी हो ना, पुठे की, गत्ते होते ना कार्टून के गत्ते, ऐसे गत्ते की नाव बनाई हो, गत्ते की नाव में बैठकर शायद कोई नदी पार कर जाए, परंतु हीन बुद्धि की नाव में बैठा हुआ आदमी कभी पार नहीं हो सकता है। घटिया मानसिकता की नाव में बैठा हुआ आदमी कभी पार नहीं हो सकता है। जिसने भक्ति को महत्व नहीं दिया, सुमिरन को महत्व नहीं दिया, आडंबर को और दिखावे को महत्व दिया है, तो वो आदमी पार नहीं हो सकता है। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए, असतो माम सद्गमय, तमसो माम ज्योतिर्गमय।